हाय फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग में आए प्लस एनटीपीसी के लिए करेंगे। और ये आपका एनटीपीसी का प्रीवियस पेपर होगा, जो आपका 28/3/2016 की शिफ्ट वन में जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा मेरे इस चैनल पे आपको डेली एनटीपीसी से रिलेटेड रीजनिंग और मैथ्स और जनरल नॉलेज और साथ में स्पेशल साइंस, ये वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लीजिएगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक श्रृंखला आपको दी गई है 6, 12, 20, 30 और फिर एक नंबर मिसिंग है और उसके बाद आया है 56 और 72, तो इसको फिल करना है। तो देखिए इसमें सीरीज़ क्या हो रही है, कंटिन्यू बढ़ रही है और ज़्यादा स्पीड से नहीं बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ क्या किया गया है, प्लस वाला सिस्टम चल रहा है। तो देखिए 6 से उसने क्या किया है, 12 कर दिया है, तो 6 से 12 करने का मतलब है कि 6 + 6 किया गया होगा, तो ये 12 हो गया। अब उसके बाद 12 से उसने 20 किया है, तो इसका मतलब 8+ हुआ है, तो यहाँ पर 8+ हुआ है, करेक्ट है। लेकिन यहाँ देखिए पहले 6+ हुआ था, फिर 8+ हुआ है, तो मतलब 6 तो ऑलरेडी प्लस हुआ है, उसके साथ भी 2 और बढ़ गया है। तो अगर ऐसी कोई सीरीज चल रही होगी कि 2-2 बढ़ता जा रहा होगा और ऐड हो रहा होगा, तो 20 में देखिए अब 8 तो पहले ऐड हुआ है उसके, तो 10 ऐड हुआ होगा, तभी तो 30 हुआ होगा। फिर 30 में देखिए एक उसने क्या किया होगा, 10 तो ये ऐड ही हुआ होगा, साथ में 2 और ऐड हुआ होगा, तो 42 ऐड हुआ। तो यही सेम सीरीज चल रही है, तो इसका मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा वो 42 हो जाएगा। आप इसको यहाँ से देख लीजिए, प्लस टू प्लस सीरीज चल रही है, 6+6 के अगर बार 12 हो गया, फिर 12 में 6 तो ऐड ही हुआ है, उसके साथ 2 लग गया है, फिर 20 में 8 तो पहले वाला जो ऐड हुआ वो ऐड हुआ, साथ में 2 लग गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक लड़की की ओर इंगित करते हुए राजीव ने कहा कि वह लड़की मेरे बहन के भाई के पुत्री है, वह लड़की किस प्रकार से राजीव संबंधित है। देखिए राजीव ने कहा वह लड़की मेरे बहन के भाई, तो मेरे बहन के भाई तो हो सकता है कि राजीव ही उसका भाई हो, ठीक है। भाई के पिता मतलब राजीव के पिता की पुत्री मतलब उसी लड़की जिसको बहन कह रहा था की पुत्री है, तो उस यहाँ पे क्या कनेक्शन बनना है, वो अपने बहन की ही ओर इशारा कर रहा है। राजीव कह रहा है कि एक लड़की है, वह मेरी ही बहन है और मेरी जो बहन है वो क्या है, मेरे पिता की पुत्री है, तो इसका मतलब वो सेम बिल्कुल बहन की ओर इशारा कर रहा है अपनी, तो इसका आंसर बहन हो जाएगा। ये देखिए सीधे सीधे मैंने आपको ये बताया है कि ये देखिए ये राजीव है, ये एक लड़की की ओर ऐसे इंगित कर रहा है, कह रहा है कि ये जो है ये लड़की जो है वो मेरी क्या है, वो मेरी बहन है और ये मेरे पिता के की पुत्री भी है, तो जो मेरे पिता की पुत्री होगी वो मेरी बहन होगी, वो तो डायरेक्ट राजीव जो है अपनी बहन की ओर इशारा कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वह लड़की राजीव की बहन है, ठीक है। अगला चलिए देखते हैं कि पांच विद्यार्थी हैं यथा जैसे प्रियंका, मैरी, आशा, सुनील तथा रेयान एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं, रेयान के पहले प्रियंका खड़ी है, रेयान तथा आशा के बीच सुनील खड़ा है, सुनील तथा मैरी के बीच रेयान खड़ा है, पंक्ति में सबसे आगे कौन खड़ा या खड़ी है। तो आपको बता दूं ये क्वेश्चन जो होते हैं इनमें एक एक चीज़ को आप सॉल्व करते चलते हैं। सबसे पहला उसने कहा है कि रेयान एक सीधी पंक्ति में है, उसने क्या कहा है, सबसे पहला कंडीशन देखिए उठाइए, उसने कहा है रेयान के पहले प्रियंका खड़ी है, तो सबसे पहले हम बना लेंगे कि रेयान के पहले प्रियंका खड़ी है, ये बना लिया कि रेयान के पहले प्रियंका खड़ी, एक कंडीशन फॉलो कर लिया। फिर उसने दूसरी कंडीशन कहा है कि जो सुनील है वो रेयान और आशा के बीच में खड़ा है, तो इस सुनील को हम रेयान और आशा के बीच में करेंगे। अब हो सकता है कि आशा यहाँ हो, रेयान यहाँ हो, या रेयान यहाँ हो या आशा हो, तो दो कंडीशन बन जाएंगी एक हिसाब से दूसरे नंबर पे। बाद में उसने देखिए कहा क्या है, सबसे लास्ट में उसने क्या कहा है कि जो सुनील तथा मैरी के बीच रेयान खड़ा है, तो सुनील तथा मैरी के बीच रेयान को खड़ा करना है। तो देखिए हमारा रेयान वाला ये सिस्टम बनाता है, तो या तो यहाँ पर हम मैरी को कर दें तब भी सुनील और मैरी के बीच में हो जाएगा, या इस वाली कंडीशन में ऊपर इसको बैठा दे मैरी को तब भी वो सिस्टम हो जाएगा। अब इसको सेट करना है। देखिए प्रियंका और रेयान में क्या रिलेशन है कि प्रियंका रेयान के आगे, तो प्रियंका रेयान वाला मैंने उठाया, लेकिन प्रियंका रेयान को अगर उठाएंगे तो ऐसा कुछ यहाँ पर तीसरा, ये तीनों बिल्कुल सेटिंग बैठी है, तो ये तीनों कुछ बन नहीं पाएगा।
तो इसका मतलब ये है कि ये नहीं कहा गया है कि प्रियंका के जस्ट पहले ही रेयान है, ठीक है। तो प्रियंका के पहले रेयान है ये चीज़ क्लियर है। तो मैंने प्रियंका को सबसे पहले बैठाया और बाद में ये जो चारों में ये वाली सेटिंग हो रही इसको इसके पहले रख दिया, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा कि रेयान के पहले प्रियंका हो भी जाएगी, बाकी जो सारी दो कंडीशन हो वो भी पूरी फॉलो होंगी। तो इसमें मैंने इस तरीके से बैठा दिया प्रियंका, मैरी, रेयान, सुनील और आशा। तो यहाँ से ये पता चल गया, इसमें पूछा गया कि सबसे पहले कौन बैठा था, तो सबसे पहले कौन बैठा था, प्रियंका बैठी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे पहले प्रियंका बैठी हुई है। तो ये जब खुद से क्वेश्चन करेंगे तो इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बताने में थोड़ा सा टाइम लगता है, प्रियंका है। चले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से विषम चयन कीजिए, कह रहे हैं एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ये एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा और कॉम्पैक्ट डिस्क में ये जो तीन हैं आपके, डिजिटल कैमरा को छोड़ के ये सब कंप्यूटर से रिलेटेड है, लेकिन ये जो डिजिटल कैमरा एक कैमरा है जिससे फ़ोटो ली जाती हैं, तो ये बिल्कुल विषम है, आप कर ही लीजिए, ठीक है। मैंने इसका सोल्यूशन दिखे दिया है आपको, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड और कॉम्पैक्ट डिस्क कंप्यूटर से संबंधित और डिजिटल कैमरा अलग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिस प्रकार भूतता संबंधित है शार्प से, मतलब ब्लेंट क्या होता है जिसमें धार ना हो, शार्प से रिलेटेड है, उसी प्रकार बोना किससे संबंधित है। तो देखिए जो ब्लंट होता है मतलब भोथड़ा जिसको हिंदी बोलते हैं, वो क्या होता है कि तेज का अपोजिट होता है। तो जो बोना का जो अपोजिट होगा वो मतलब क्या होता है, फसल काटना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बोना संबंधित है फसल काटने से, ठीक है। ये भी देखिए मैंने यहाँ भी लिख दिया है कि ब्लंट विपरीत है शार्प से, बोना फसल काटना। तो आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोहन लंबा है रोहन से परंतु फरहान से छोटा है, कानन छोटा है मोहन से परंतु रोहन से लंबा है, शंकर लंबा है मोहन से सॉरी रोहन से तथा फरहान से, उन सभी में सभी लंबा कौन है। तो ये भी जो कंडीशन होती है इसमें थोड़ी सी कंडीशन को सेट करना पड़ता है। तो सबसे पहले कंडीशन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो मोहन लंबा है रोहन से परंतु फरहान से छोटा है, ठीक है। मोहन को मैंने क्या किया, रोहन से यहाँ पे देखिए लंबा कर दिया, लेकिन फरहान से क्या कर दिया, छोटा कर दिया। एक कंडीशन मैंने अपनी ये फॉलो कर ली। दूसरी कंडीशन देखिए उसने क्या कहा है कि कानन छोटा है मोहन से परंतु रोहन से लंबा है, ठीक। कानन को क्या करूँगा, छोटा कर दूँगा किससे, रोहन से। देखिए कानन रोहन से क्या है, बड़ा है, लेकिन मोहन से क्या है, छोटा है। ये एक कंडीशन फॉलो कर दी। और इसके बाद वाली कंडीशन देखिए क्या है, उसके बाद कंडीशन है शंकर लंबा है रोहन तथा फरहान से, ठीक। शंकर लंबा है रोहन तथा फरहान से, तो शंकर को मैंने ऊपर रखा सबसे। अब रोहन और फरहान में ये वाला देखो, अब ये वाला हमारा क्या है, रोहन और फरहान वाला पहला वाला रिलेशन बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो इस शंकर को क्या कर दिया, फरहान से क्या कर दिया, लंबा कर दिया, और रोहन से भी वो लंबा है, तो यहाँ पे रखने पर रोहन से भी लंबा हो जाएगा। अब इसको बस सेट करना है, इसको क्या करना, तीनों को सेट करना है। तो क्या किया कि शंकर, फरहान, मोहन और कानन और रोहन, ये वाले जो है सेट कर दिया, पहले वाले को बनाया, दूसरे वाले को बनाया और ये तीसरे वाले को बनाया। तो शंकर सबसे ऊपर है, फिर फरहान ये वाला लगा दिया मैंने, फरहान, शंकर, फरहान, और यहाँ पे जो है रोहन मोहन वाला सब लगा दिया। तो इस तरीके से बन गए। तो यहाँ पे क्या बना कि शंकर, फरहान, मोहन, कानन, रोहन, इसको देख लीजिए। तो जो शंकर जो है वो सबसे ऊपर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस प्रकार शिक्षक संबंधित है पुस्तक से उसी प्रकार डॉक्टर संबंधित है किससे। देखिए शिक्षक क्या करता है, पुस्तक से अपनी पढ़ाता है, और जो डॉक्टर होता है वो स्टेथोस्कोप जो होता है उसको यूज करता है किसके, जांच के लिए मरीजों की। तो ये इसके बिल्कुल संबंधित हो जाएगा, ठीक है। जिस पुस्तक से पढ़ाते हैं तो डॉक्टर स्टेथोस्कोप से मरीज की जांच करते हैं, तो स्टेथोस्कोप इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कि अनुक्रम में बेमेल संख्या ज्ञात कीजिए, और बेमेल संख्या बताना है। देखिए 28, 44, 68, 80, 92 दिया गया है, इसमें बेमेल संख्या बतानी। तो ये देखिए 28 क्या है कि 4 × 7 है, और 44 क्या है कि 4 × 11 है, और 68 क्या है 4 × 17 है, और 80 हमने के यहाँ इसके आगे अच्छे से लिखा है। आप देखिएगा कि 28 को 4 × 7 किया है, मतलब 28 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 7 क्या आएगा, भागफल आएगा।
और इसी तरीके से 4 44 को 11 भाग पलाएगा, 17 आएगा, 20 आएगा, 23 आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारी संख्याएं जिनको डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, भागफल समझ ले या मल्टीपल जो आ रहा है, तो ये 11, 17, 23 और 4 आ रहा है। तो इसमें ये सब अभाज्य आ रहा है, लेकिन 80 एक ऐसा नंबर है कि 4 को एक भाज्य संख्या से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, या 4 को जब 80 से डिवाइड कर रहे हैं तो भागफल क्या आ रहा है, एक भाज्य आ रहा है। तो यही बिल्कुल भिन्न लग रहा है, तो यही इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जिस प्रकार व्रत संबंधित है परित से, उसी प्रकार वर किससे संबंधित है। तो देखिए, ये जो व्रत होती है इसके चारों ओर की ये जो होती है उसको क्या कहते हैं, परित कहते हैं। उसी तरह से अगर स्क्वायर है तो चारों, जब चारों साइड को ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, परिमित हो जाती है, मतलब परिमाण हो जाता है। तो इसका जो बिल्कुल वर्ग से संबंधित होगा वो परिमित सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मैंने लिखा है कि वृत्त की सीमा की कुल लंबाई परिधि है, वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई परिमित होती है, मतलब परिमित इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक निश्चित कोड दिया गया है जिसमें अमेरिका को 173,461 लिख दिया गया है, तथा इंडिया को 68,961 लिखा गया है। उसी तरीके से कनाडा को शो करना है कि क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कोडिंग क्या बना है। ए का एक होता है और एम क्या क्या होता है, 7 यहाँ पे दिया गया है, मतलब एम का 7 तो कोडिंग होती नहीं है, 14 होती है। हो सकता है शायद इससे आधा दे गया हो, ये भी हो सकता है। और अमेरिका को देखिए क्या लिखा है इन्होंने, अमेरिका में ई जो है, ई क्या होता है, 5 होता है, लेकिन उसका 3 लिख दिया है, तो आधा वाला तो सिस्टम नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि लास्ट में देखा कि ए को, फिर उन्हें सबसे पहले कई सारे रूल होते हैं। एक तो रूल होता है कि क्या होता है कि सेम सेम कोडिंग कर दिया हो, मतलब सभी के नंबर के अलग अलग कोडिंग। तो यहाँ ए के लिए 1 है और यहाँ भी ए के लिए 1 दिख रही है, ई के लिए यहाँ पे 3 लिखी गई। अब अच्छा, कनाडा में देख लेते हैं, कनाडा में ए से पकड़िए, ए का 1। कुल मिला के हुआ ये है कि जो भी अक्षर लिखा है उसकी सेम कोडिंग कर दी गई है, मतलब एक कोडिंग उसको दे दी गई है। तो यहाँ पे बस वैसे ही कर देना है। कनाडा सी है तो सी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सी के लिए 5 आया था, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और ए के लिए क्या हो जाएगा, तो सेम सेम कोडिंग की है, इसको मैंने यहाँ पे अच्छे से बताया, देख लीजिए सेम कोडिंग की है। तो कनाडा के लिए वहाँ पे 5 आएगा, ए के लिए यहाँ पे दिया गया है 1, एन के लिए 8, ए के लिए 1, डी के लिए 9 और ए के लिए 1, मतलब सेम सेम कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर 5181191 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक दौड़ में आप अंतिम से ठीक पहले व्यक्ति से आगे निकल जाते हैं तो आपका स्थान क्या होगा। मतलब एक व्यक्ति कोई अंतिम है, एक व्यक्ति कोई अंतिम है, अंतिम से ठीक आगे वाले से थोड़ा सा आगे आप निकल जाते हैं या आगे निकल जाते हैं, तो आपका अंतिम से स्थान कौन होगा। तो 1 2 3 अंतिम से आपका स्थान तीसरा हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतिम से तीसरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेंगे, अब ये देखिए, अंतिम से तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप अंतिम हैं, अंतिम से ठीक पहले वाले से आगे, मतलब यहाँ पे आप हैं, तो अंतिम से आपका नंबर जो हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया है। यदि वर्णमाला में सभी शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, इन क्वेश्चन को क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि पहला अक्षर कौन कौन सा। देखिए, एस 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 एस, तो मतलब सारे एस एस हैं तो सबको एक साथ रख लेंगे, एस 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 रखेंगे। अब दूसरे नंबर का अक्षर देखते हैं, आई आई सब में है तो आई आई हम मिला लेंगे, आई आई मिला लिया हमने। तीसरा देखते हैं, एन 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 और एम, तो देखिए इन तीनों में एन एन है तीसरे नंबर पे और इसमें एम है, तो एम पहले आता है, मतलब ये वाला लेटर जो होगा वो सबसे नंबर 1 पे आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल आ जाएगा, इसको मैंने छोड़ दिया। बचे तीन, तीन बचे चौथे नंबर पे जाते हैं, तो चौथे पे जी जी और आई है। देखिए, जी जी और आई है, तो आई और जी का अगर कंपैरिजन किया जाए लेटर में तो पहले जी आता है, तो ये तो सबसे इन दोनों के बाद में ही आएगा, मतलब ये सबसे बाद में सेट हो गया। अब यहाँ दो का खेल हो गया, तो अब पांचवे अक्षर पे देखते हैं। पांचवे अक्षर में एक में ई है, एक में एल है, तो ई क्या आता है, पहला आता है, तो मतलब दूसरे नंबर पर पहले सिंगल आ जाएगा और तीसरे नंबर पर फिर सिंगल आएगा। तो इसमें पूछा क्या गया है कि तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, तो तीसरे स्थान पर आपका सिंगल शब्द आएगा। ठीक है, तीसरे स्थान पर सिंगल शब्द आएगा। ये देखिए, मैंने पूरी तरीके से आपको लगा के यहाँ दिखाया है, यहाँ पे थोड़ा लिख भी दिया है, थर्ड में एन और एम में एम वाला पहले आएगा, फिर
फोर्थ में जी और आई में जी वाला पहले आएगा, लेकिन जी वाले दो हैं तो उसमें पांचवा अक्षर देखेंगे तो ई एल में ई वाला पहले आएगा, इसलिए संगल तीसरे नंबर पे आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि यदि आपको पिता, यदि आपके पिता को माता कहा जाए, मतलब पिता को क्या कह दिया गया, माता कह दिया गया, कोई बात नहीं। माता को क्या कहेगा, भाई कह दिया गया, भाई को आपकी बहन कहा गया, तथा बहन को आपका पिता कहा गया, तो आपकी बहन को क्या कहकर बुलाएंगे। तो भाई पिता बहन को क्या कह रहे हैं, पिता कह रहे हैं, तो बहन को क्या कहकर बुलाएंगे, पिता ही कहकर बुलाएंगे। राइट आंसर इसका ए नंबर ऑप्शन, पिता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कैसे करेंगे, देखिए पिता को माता, माता को भाई, भाई को बहन, बहन को पिता, तो बहन को पिता कहकर बुलाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पूछा गया है कि एक क्वेश्चन पूछा गया है कि थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है कि पांच लड़कियां एक पंक्ति में सामने बैठी हैं, उन सभी लड़कियां का मुख आपकी ओर है, ऊर्जा की दाई और बाई ओर क्रमशः रूही और मनाली बैठी हैं, मनाली तथा तान्या के ठीक बीच में धन बैठी है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, इसमें तीन चार क्वेश्चन चार तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले मैं अपने आप को बैठाऊंगा, मैंने अपने आप को ऐसे बैठाया तो मेरे आगे जो पांच लड़कियां बैठी हैं उनका मुख इस तरीके से होगा, ठीक है, मेरी तरफ होगा। अब देखिए मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरा दाया ये हो जाएगा, बायां ये हो जाएगा, जो लड़कियाँ इस तरीके से बैठेंगी उनका दाया बायां इधर होगा और दाया इधर होगा, ठीक है। पहली कंडीशन उसने क्या दी है कि जो ऊर्जा है उसके दाई और रूही बैठी है और बाई और मनाली बैठी है, मैंने बैठा दिया। फिर क्या कह रहे हैं कि जो मलाली और तान्या के बीच में ध्वनि बैठी है, ये कंडीशन कही है, बस मैं यहाँ पे तीनों को बैठा दूंगा उठा के। तो क्या किया मैंने, ऊर्जा के दाई और रूही को बैठाया और मनाली को बैठाया बाई और, अब इन मनाली और तान्या के बीच में एक लड़की ध्वनि को बैठा दिया। आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, पहला क्वेश्चन पूछा है उनमें से कौन पंक्ति के ठीक मध्य में बैठी है। तो उनमें देखिए पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है, मनाली बैठी है, ठीक। तो पहले का आंसर मनाली हो जाएगा, 50 का आंसर मनाली हो जाएगा। 51 में क्या कहा है, धन्य और रूही के बीच कितनी लड़कियां बैठी हैं। तो यहाँ पे देखिए धन्य और रूही, ये धन्य हो गई और ये रूही हो गई, इनके बीच में कितनी लड़कियां बैठी हैं, दो लड़कियां बैठी हैं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि तान्या के ठीक दाई ओर कौन बैठी है, तान्या के ठीक दाई ओर कौन बैठी है। तो तान्या के ठीक दाई ओर देख लेते हैं अपना फिगर, मैंने क्या बनाया था, ये तान्या बनाया था, इसके ठीक दाई ओर जो बैठे था वो ध्वनि बैठे थे, तो इसका आंसर ध्वनि हो जाएगा। तो इसी तरीके से तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन कहा है कि यदि वर्ष 2011 में क्रिसमस रविवार को मनाया गया तो 2012 में क्रिसमस किस दिन मनाया जाएगा। तो ये देखिए एक सामान्य वर्ष है और 2012 जो है एक लीप वर्ष है, तो इसमें क्या होगा कि जो फरवरी होगी उसमें एक दिन ज़्यादा हो जाएगा। तो 2011 में अगर आपका क्रिसमस रविवार को मनाया गया था तो 2012 में जब एक दिन ज़्यादा होगा तो एक दिन बाद मनाया जाएगा, ये कितने दिन, तो आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक वर्ष बदल जाने पर दो दिन बढ़ जाते हैं, एक तो आपका वो वाला बढ़ेगा एक और बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो रविवार से ना होकर के क्या हो जाएगा, दो दिन बढ़ जाएगा, मंगलवार हो जाएगा 2012 में। चलें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए पुत्र है बी का तथा पिता है सी का, बी किस प्रकार संबंधित है। देखिए ए पुत्र है बी का, तो मतलब ये बी हो गया, उसका पुत्र क्या है ए है, और फिर क्या कह रहा है, ए पुत्र है बी का तथा पिता है सी का, और ये ए जो है पिता किसका है, सी का पिता है, ठीक, सी का पिता है, पिता है सी का। कह रहे हैं बी किस प्रकार संबंधित ए से, ये बी किस प्रकार संबंधित, तो बाबा होगा या दादा होगा, लेकिन यहाँ पे जेंडर इसका क्लियर नहीं है, तो नाना भी हो, सॉरी दादी भी हो सकती, दादा भी हो सकता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा कि निर्धारित ही नहीं किया जा सकता। ये देखिए बन जाएगा इस तरीके से, या तो दादा या दादी, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विषम पद ज्ञात कीजिए, शुतुरमुर्ग कावा कबूतर गौरैया। तो इसमें से विषम क्या होगा, देखिए कावा कबूतर गौरैया सब अच्छे से उड़ने वाले पक्षी हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग जो है उड़ने में समर्थ नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर शुतुरमुर्ग हो जाएगा, शुतुरमुर्ग उड़ने में असमर्थ, मैंने ये लिख दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन निष्कर्ष दिया गया, निम्नलिखित में से कथनों को इसके बाद दिए गए फर्स्ट एंड सेकेंड के सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए। सभी को पता है क्या करना होता है कि कुछ चिड़िया गधे हैं, तो ये कुछ चिड़िया क्या हो जाएंगी, गधे हो जाएंगी, और कुछ गधे मूर्ख हैं, कुछ गधे मूर्ख हैं, कुछ गधे मूर्ख बना देंगे। अब इसे कहा गया सभी चिड़िया मूर्ख हैं,
तो पहले ही उसने देखिए बताया कि कुछ चिड़िया गधे हैं और कुछ गधे मूर्ख हैं। कुछ सभी चिड़िया क्या है, मूर्ख हैं, ये तो सभी वाला इसमें सिस्टम नहीं बैठ रहा है, क्योंकि उसने पहले कहा है कि कुछ चिड़िया मूर्ख हैं, कुछ चिड़िया गधे हैं और कुछ गधे मूर्ख हैं। तो कुछ चिड़िया ही मूर्ख होंगी, सभी नहीं होंगी। कुछ चिड़िया मूर्ख हैं ये तो उसने डायरेक्ट क्वेश्चन में भी कहा, क्वेश्चन में बनेगा ही जाके, क्योंकि कुछ चिड़िया क्या हैं, गधे हैं। तो इसका अगर पूछा जाए तो पहला तो गलत है, लेकिन दूसरा जो है वो सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल निष्कर्ष एक निकलता है। तो ये आपके पहली शिफ्ट में पूछे गए 28/3/2016 में रीजनिंग के जितने क्वेश्चन थे मैंने आपको कराए, और आप इन्हीं इन क्वेश्चन को अपने तरीके से करिए, और क्वेश्चन को स्टॉप कर लिया करिए, पॉज कर लिया करिए, उसको पहले कर लिया करिए। अगर उसका सलूशन आपको नहीं पता है तो उसके बाद वीडियो में पूरा सलूशन देख लिया करिए। इसी तरीके से मैं आपको लगभग 50 सेट पूरे NTPKC प्रीवियस के अपने चैनल पर प्रोवाइड कराऊँगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।